गुड मॉर्निंग बच्चों, ये कक्षा फिफ्थ के लिए है। पाठ 15, हार की जीत। बच्चों, कल मैंने ये लेसन पढ़ाया था, इसके कठिन शब्दार्थ करवाए थे। अब आगे की एक्सरसाइज करवा रही हूँ। बताइए, यह कहानी किसने लिखी है? यह कहानी सुदर्शन ने लिखी है। बाबा भारती अपने घोड़े को क्या कहकर पुकारते थे? उत्तर, बाबा भारती अपने घोड़े को सुल्तान कहकर पुकारते थे। प्रश्न 3, कहानी का अंत कैसा है? कहानी का अंत सुखद है। प्रश्नों के उत्तर लिखिए। प्रश्न 1, बाबा भारती को अपने घोड़े को देखकर कैसा लगता था? उत्तर, बाबा भारती को अपने घोड़े को देखकर वही आनंद प्राप्त होता था जो एक माँ को अपने बेटे को और एक किसान को अपने लहलहाते खेत को देखकर होता है। प्रश्न 2, खड़क सिंह कौन था? वह बाबा भारती के पास क्यों आया था? उत्तर, खड़क सिंह एक डाकू था। वह बाबा भारती के पास घोड़ा लेने के उद्देश्य से आया था। प्रश्न 3, खड़क सिंह ने लौटते हुए बाबा भारती से क्या कहा? उत्तर, खड़क सिंह ने लौटते हुए बाबा भारती से कहा, बाबा जी, मैं यह घोड़ा आपके पास नहीं रहने दूंगा। प्रश्न 4, खड़क सिंह ने किस चालाकी से सुल्तान को हत्या लिया? क्या आप इसे सही मानते हैं? उत्तर, खड़क सिंह ने अपाहिज बनकर सुल्तान को हत्या लिया। नहीं, हम इसे सही नहीं मानते। प्रश्न 5, खड़क सिंह ने घोड़े के बारे में बाबा भारती से क्या कहा? उत्तर, खड़क सिंह ने घोड़े के बारे में बाबा भारती से कहा कि मैंने अपने जीवन में ऐसा पांका घोड़ा नहीं देखा, ऐसा घोड़ा मेरे पास भी होना चाहिए। प्रश्न 6, बाबा भारती ने खड़क सिंह से क्या प्रार्थना की? उत्तर, बाबा भारती ने खड़क सिंह से प्रार्थना की कि इस घटना को किसी के सामने प्रकट नहीं करना। प्रश्न 7, खड़क सिंह के दिलो दिमाग पर बाबा भारती की प्रार्थना का क्या असर पड़ा? उत्तर, खड़क सिंह के दिलो दिमाग पर बाबा भारती की प्रार्थना का यह असर पड़ा कि उसका हृदय परिवर्तन हो गया। प्रश्न 8, अपने घोड़े को पुनः पाकर बाबा भारती की क्या दशा हुई? उत्तर, अपने घोड़े को पुनः पाकर बाबा भारती उसके गले से लिपटकर इस प्रकार रोने लगे मानो कोई पिता बहुत दिनों से बिछड़े हुए अपने पुत्र से मिल रहा हो। आगे है, सही कथन पर सही और गलत कथन पर गलत का चिन्ह लगाइए। ये पहला है, बाबा भारती को अस्तबल से प्यार था। गलत। दूसरा है, खड़क सिंह एक प्रसिद्ध डाकू था। राइट, सही है। खड़क सिंह ने ताकत के बल पर घोड़ा हत्या लिया। रोंग, धोखे से, ताकत से नहीं अपनाया था, उसने धोखे से अपनाया था। तो इसमें क्या लिखा, ताकत के बल पर, तो क्या आएगा, रोंग। बाबा भारती को गरीबों की बड़ी चिंता थी। राइट। खड़क सिंह का हृदय परिवर्तन हो गया। राइट। अब है आपका अनुभव। बाबा भारती किस प्रकार के व्यक्ति थे, उनका चरित्र चित्रण करो। उत्तर, बाबा भारती नेक दिल व्यक्ति थे। उनमें सुल्तान के प्रति प्रेम, गरीबों के प्रति दया और सज्जनता सभी कुछ अनुकरण योग्य है। प्रश्न 2, खड़क सिंह को की कौन सी बात आपको बुरी लगी और कौन सी बात अच्छी लगी? उत्तर, खड़क सिंह घोड़े को धोखे से ले गया, ताकत से नहीं ले गया था, उसमें आया था ना राइट रोंग में, धोखे से ले गया था, धोखे से ले गया, यह बात बुरी लगी, और बाबा भारती की बातों से उसका हृदय परिवर्तन हो गया, यह बात अच्छी लगी। इस कहानी का शीर्षक हार की जीत आपको कैसा लगा? उत्तर, इस कहानी का शीर्षक हार की जीत अच्छा लगा, क्योंकि बाबा भारती घोड़ा छिन जाने के कारण हार गए, किंतु खड़क सिंह द्वारा घोड़ा लौटाने पर वे हार कर भी जीत गए थे। इस कहानी के लिए आप कोई अन्य शीर्षक सुझाइए। इस कहानी के लिए कोई अन्य शीर्षक होना चाहिए, सच्चे संत बाबा, ये भी ठीक है, या ये भी हो सकता है, सबका प्यारा सुल्तान, कुछ भी हो सकता है।
इस कहानी से आपको क्या शिक्षा मिलती है? उत्तर, इस कहानी से हमें शिक्षा मिलती है कि हमें गरीबों के प्रति दया की भावना रखनी चाहिए। क्रम से लिखें, पहले क्या हुआ फिर क्या हुआ। बच्चों, आपने लेसन पढ़ा होगा तो आपको पता होगा पहले क्या हुआ था, क्रम से लिखना है। तो अब ये उल्टे पीछे आगे दे रखे हैं, बिल्कुल सीक्वेंस में नहीं दे रखे। तो अब हमने बिल्कुल सीक्वेंस में पहले क्या हुआ फिर क्या हुआ उसके बाद हमने इसको लिखा है। अब है बाबा भारती खड़क सिंह को लेकर अस्तबल पहुँचे, पहले नंबर पे ये आएगा। दूसरे नंबर पर बाबा भारती घोड़े पर सवार होकर घूमने जा रहे थे। तीसरे नंबर पर बाबा भारती ने देखा कि एक अपाहिज वृक्ष की छाया के नीचे पड़ा कराह रहा था। चौथे नंबर पर आएगा बाबा भारती के हाथ से लगाम छूट गई। पाँचवें नंबर पर आएगा खड़क सिंह ने घोड़े को अस्तबल में बांध दिया। छठे नंबर पर आएगा घोड़े ने अपने स्वामी के पांवों की चाप को पहचान लिया। आगे हैं निम्नलिखित गद्यांशों को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर के सही विकल्प पर सही का चिन्ह लगाइए। बाबा भारती खड़क सिंह को लेकर अस्तबल में पहुँचे। बाबा ने घोड़ा दिखाया तो खड़क सिंह घोड़े को आश्चर्य से देखता रह गया। उसने अपने जीवन में ऐसा बांका घोड़ा नहीं देखा था। उसने सोचा कि ऐसा घोड़ा मेरे पास होना चाहिए। जाते जाते उसने बाबा भारती से कहा, बाबा जी यह घोड़ा आपके पास नहीं रहने दूंगा। अब है खड़क सिंह कौन था, ऑप्शन दे रखे हैं, किसान, डाकू, पुजारी, घोड़े का मालिक। तो क्या आएगा, डाकू। डाकू पे राइट लगा दिया। अस्तबल क्या होता है, जहाँ भैंसे बांधी जाती हैं, दूसरा है जहाँ गाय चढ़ती हैं, तीसरा है जहाँ घोड़े बनते हैं, चौथा है जहाँ पूजा की जाती है। तो क्या आएगा, जहाँ घोड़े बनते हैं, इस पर राइट लगा दिया। आगे है बांका घोड़ा में बांका शब्द व्याकरण में क्या है, संज्ञा, विशेषण, विशेष्य, क्रिया विशेषण। तो क्या आएगा, विशेषण। विशेषण के आगे राइट लगा दिया। मैं यह घोड़ा आपके पास नहीं रहने दूंगा, यह किसने कहा, खड़क सिंह ने, बाबा भारती ने, मंदिर के पुजारी ने, किसी ने नहीं। तो किसने कहा था ये बात, खड़क सिंह ने। इसके आगे राइट लगा दिया। यह गद्यांश किस पाठ से लिया गया है, हार की जीत, जीत की हार, बाबा भारती, डाकू की जीत। तो किस पे आएगा, हार की जीत। इसके आगे राइट लगा दिया। मूल्यपरक प्रश्न, इस कहानी से हमें नैतिकता की क्या शिक्षा मिलती है? इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है, हार से हमें दुखी और जीत से ज़्यादा खुश नहीं होना चाहिए। यह हमारे जीवन चक्र का हिस्सा है। आपको कौन अच्छा लगा, बाबा भारती या खड़क सिंह, क्यों? हमें बाबा भारती अच्छे लगे, उनका सुल्तान के प्रति प्रेम, गरीबों के प्रति दया की भावना थी। विलोम शब्द, प्रशंसा, निंदा, पवित्र, अपवित्र, आशा, निराशा, विश्वास, अविश्वास। वाक्य बनाइए। अर्पण, हमें अपना जीवन भगवान के चरणों में अर्पण करना चाहिए। त्याग, हमें बुरी आदतों का त्याग कर देना चाहिए। विश्वास, हमें पूरा विश्वास, मुझे पूरा विश्वास है कि वे अच्छे नंबरों से पास होगा। प्रतीत, फाटक पर पहुंचकर उनको अपनी भूल प्रतीत हुई। प्रतीत के नीचे अंडरलाइन करेंगे। सूर्योदय, हमें सूर्योदय से पहले उठना चाहिए। वचन बदलिए, घोड़ा घोड़े, चरण चरणों, डाकू डाकुओं। देखो डाकुओं पे कह के ऊपर छोटे ओ की मात्रा आई है, और डाकू एक सिंगल होता है, एक वचन होता है तो बड़े ओ की आती है। प्रार्थना प्रार्थनाएं, लिंग बदलिए, घोड़ा घोड़ी, पिता माता, हाथी हथिनी, कुत्ता कुतिया। नीचे लिखे वाक्यों में से विशेषण विशेष्य छाट कर सामने लिखिए। अपने लहलहाते खेत देखते थे, लहलाते विशेषण, खेत विशेष्य। खड़क सिंह प्रसिद्ध डाकू था, प्रसिद्ध विशेषण, डाकू विशेष्य। सुल्तान सुंदर घोड़ा था, सुंदर क्या है, विशेषण, घोड़ा क्या है, विशेष्य।
दुर्गा दत्त मेरा सौतेला भाई है, सौतेला विशेषण भाई विशेष्य। कोई व्यक्ति गरीब पर विश्वास न करेगा, कोई विशेषण व्यक्ति विशेष्य। अब है निम्नलिखित वाक्यों में प्रयुक्त स्वरनाम छाटिए और बताइए और बताओ कि उनका प्रयोग किस संज्ञा के लिए हुआ है। उन्होंने अपना रुपया पैसा जमीन जायदाद सब कुछ त्याग दिया था, तो उन्होंने क्या है स्वरनाम, वो किस संज्ञा के लिए हुआ, बाबा भारती के लिए। उसका नाम सुनकर लोग थरथर कांपते थे, उसका क्या है स्वरनाम, वो खड़क सिंह के लिए प्रयोग हुआ है। मैं यह घोड़ा आपके पास नहीं रहने दूंगा, मैं क्या है स्वरनाम, वो खड़क सिंह संज्ञा के लिए हुआ है। उसकी आंखों में नेकी के आंसू थे, उसकी क्या है स्वरनाम और किसके लिए प्रयोग हुआ है, खड़क सिंह के लिए। अब है आजकल आप गांधीगिरी का नाम बहुत सुनते होंगे, एक फिल्म में भी इसका प्रयोग किया गया था। यह गांधीगिरी क्या है, गांधीगिरी एक पुराना शब्द है जो गांधीवाद के मूल्यों की ओर इशारा करता है, जिसमें सत्याग्रह एवं अहिंसा सबसे प्रमुख है। आगे है दूसरा नंबर, गांधीगिरी में क्या किया जाता है। गांधीगिरी में किसी भी प्राणी को तन मन कर्म वचन और वाणी से कोई नुकसान नहीं पहुंचाना होता है। क्या इसका कोई प्रभाव पड़ता है, हाँ इसका प्रभाव पड़ता है। क्या आपने कभी गांधीगिरी का प्रयोग किया है, यदि हाँ तो कब। हाँ हमने गांधीगिरी का प्रयोग किया है, समय समय पर जरूरत पड़ने पर हमने गांधीगिरी का प्रयोग किया है। बच्चों ये आप अपने बुक में साफ साफ सुंदर सुंदर करना है, साथ साथ याद करना है, एक पेज सुलेख लिखनी है, कार्य पत्र पुस्तिका जो पीछे दे रखी है लेसन, वो आप जो जो मैं लेसन करवाती जा रही हूँ वो आपको याद करके उसमें करना है। और आगे ये महात्मा गांधी के बारे में थोड़ा सा बताया गया है, आपको ये याद करना है। धन्यवाद।